कि टोपी पे ध्यान देना, टोपी के बारे में बात करते हैं। आप इधर आइए। जो टोपी खास तौर से हमने बनवाई है, आम मतन इंडिया के अंदर इस तरह की क्वालिटी नहीं होती है। तो ये जो खास बात है इसमें, इसका जो मैंने मटेरियल सेट किया हुआ है, मैं बजाते खुद ये ब्रांड आने से पहले इस कंपनी की पहनता रहा हूँ। तो 2.5 साल 3 साल तक मेरी एक टोपी चलती थी, ठीक है। और ये टोपी मैं, यानी दावा तो मेरे अल्लाह का है, और मैं बस एक चीज़ यानी उससे कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह कहकर कह सकता हूँ कि ये टोपी को आप 2 साल तक घस के पहनते रहे, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा जी। और इसकी क्वालिटी भी ऐसी रहेगी, इसकी खूबसूरती भी ऐसी रहेगी। ये कुर्ते जो यहाँ लगे हुए हैं, यही सारी चीज़ें हैं। और हम लोगों ने कोशिश ये की है, ये हमारी असल में बहन है, आप आ जाए। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, तो ये हमारी बहन है माशाल्लाह। तो भाई ने मुझे बहन बना लिया, तो दुआ करें आप सब की मुझे देखे दाद मिले अल्लाह से इंशाल्लाह। आप अपने भाई और भाभी को प्रमोट करने आई है, या हम आपको एक शॉपिंग करने वाली समझे या एग्जीबिटर समझे? दोनों तीनों इस काम में, काम में शरीक भी है मेरे। हाँ, मैं इनके साथ इनके ब्रांड में एसोसिएटेड भी हूँ। मैं एक्टर थी, अब एक प्रोसेस में हूँ कि एक्टिंग छोड़ दूँ और अपने जी एक हलाल रोजी एंड हलाल बिजनेस में कुछ अच्छा करूं। मुफ्ती साहब से जुड़ रहे हैं वो एकदम हलाल में ही आने की बात कर रहे हैं। तो शेख, और देखो, हलाल और हराम का मामला तो मेरे अल्लाह का है, किसी को नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई नज़रियात को बदल सकते हैं, ठीक है। चाहे दुनिया में जो जितने कारोबार कर रहे हैं, हम कोई राय कायम करने वाले नहीं होते। अल्लाह मियां सबको बरकत दे, सबको अच्छा रखे। मेरी अपनी सोच है, ठीक है ना, कि क्या हूँ मैं जानता हूँ। तो हलाल हराम तो मेरे अल्लाह के हाथ में, बस नज़रियात बदल जाए कि हमारा कमाना ये हो। जैसे हम खास तौर से अबाया है, मैं अबाया को एक चीज़ कहूँ जी, अबाया जो है, अबाया में हम लोग का जो अबाया है, हम लोग ने कोशिश ये की है कि इसका मटेरियल हम बेहतरीन से बेहतरीन दे। आपको नज़र आ रहा होगा, और यहाँ अक्सर आप किसी से भी पूछ सकते हैं, तो अक्सर जो हमारा कस्टमर है वो कहता है अबाया का कपड़ा बड़ा जबरदस्त है। इनका अबाया का कपड़ा भी बहुत अच्छा बात है। एंड इनका डिजाइन भी बहुत अच्छा है। आप पहले आ जाइए, आप पहले एक बात बताइए, आप एकदम कस्टमर, आप प्रमोशन की नहीं कस्टमर होकर बात कीजिए जी। मैं मुफ्ती साहब, आपकी इजाजत है, एकदम कस्टमर होकर बात, कस्टमर की तरह ही हूँ। आप बताइए अबाया के बारे में। मैं सच में बताऊं, आई थिंक इतनी फैंसी कलर्स, इतने स्टाइलिश अबायास, प्लस ये स्किन फिट भी नहीं है, बॉडी फिट नहीं है, यू नो, जैसे इस्लाम में पहनना होता है एग्जैक्टली ऐसे अबायास हैं। एंड कलर भी इतने कलरफुल हैं कि दिल करता है कि यार पहनो, इतने स्टाइलिश भी लगो, ऐसे नहीं कि पूरे ब्लैक है या फिर यू नो सो बोरिंग, ऐसे नहीं है, बहुत रिफ्रेशिंग, बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा लगता है, बात करते हैं रेट्स की, बात करते हैं, जहाँ सना खान का नाम आता है, हया एक ब्रांड आता है, तो लोकल जो पब्लिक खरीदती है वो सोचती है कि रेट ज़्यादा होगा, बिना आए हुए डिसाइड कर लेती है बिना देखे हुए जी। बट मैं बोलना चाहूँगी, ये बिल्कुल एकदम रीजनेबल है, जो क्वालिटी है, जो डिज़ाइन है, और जो ये लोग इतना एफर्ट डाल रहे हैं हर एक कलर और डिज़ाइन और क्वालिटी के लिए, ये प्राइस कुछ नहीं है सच में। अगर आप कोई डिज़ाइनर के पास जाते हो कोई ड्रेस खरीदने, तो आराम से आप ये जो ये बनाए आपने इंडिया में ही बनाए कि मेरा वर्कशॉप बम्बई में है, ठीक है। और ये सारी डिज़ाइन मेरी वाइफ ने, अहलिया ने की है मेरी। असल में वो जब इस तरफ आई, तो इसमें एक बुनियादी बात है मैं जो बताऊँ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के अंदर और अहादीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजाब को बहुत ज़्यादा तरजीह दी है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है जो अपनी मर्ज़ी से कोई पहन रहा होता है। तो हम लोगों ने, मेरी अहलिया का सोचना ये था जब वो उस तरफ से इस तरफ आई, कि भाई हिजाब बड़े फिट होते हैं। एक मिनट, अगर आप बुला लेंगे उनको भी तो मैम। एंड हियर कम सना खान। मैम, वेलकम टू अवर न्यू चैनल मैम। थैंक यू। जो सिस्टर हैं या कजिन हैं, इनको हमने पहले तो इनको ये कहा कि आप एक कस्टमर बन के आए, बात कीजिए, ना ही मुफ्ती साहब की बहन बन के बात कीजिए, ना सनान खान की, जो भी देवर पापी जो भी लगे। तो इन्होंने आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, ये आप थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं आपके अबायास के बारे में? बात अपनी मुकम्मल कर लो, फिर फारिग हो जाओ इनसे। तो इनका ये था सोच कि हम इसके अंदर थोड़ा सा खुल के लाए, ढीला लाए, ठीक है ना, कि अबाया होता है तो अबाया जो पहन, अबाया का मकसद क्या है कि अपना आपको जिस्म को कवर करना। तो उसके अंदर अक्सर ये होता है, मैं यानी अभी भी कह रहा हूँ बार बार ये बात, कि मैं राय कोई कायम नहीं करता। तो इसमें ये था कि हमने ये कोशिश की कि भाई अबाया को अबाया के मकसद पे रखें, और उसको खूबसूरत भी बना के देवे, कि लोगों को पसंद भी आए और वो ढीला भी हो। तो जैसे ये अहलिया ने मेरी पहना है,
तो भाई आ जाए आप भी। तो ये यानी ढीला भी होगा, आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगा, इतना ही खूबसूरत भी है। और एक दो चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो खास तौर से ये जो है आज, ये खास तौर से वहाँ डमी में आपने दिखाया होगा, ये आज ही हमने लॉन्च किया इसी एग्जीबिशन में, ये लॉन्च किया। तो हमारी कोशिश ये है कि हम मटेरियल से अच्छा दें। जैसे कोस की आपने बात की, तो ये भाई मेरे साथ शरीक है इब्राहिम। ये भाई को आप कब से खींच रहे हो, बार बार खींच रहे हो, इनका इंट्रोडक्शन तो दिला दो। वो भाग रहे हैं यार, आप बुला रहे हो, कम से कम 5 बार हमारे लाइफ पे आपने बोला भाई, आपका इंट्रोडक्शन दिला। ये असल में हमारा असल कारोबार के मेन बुनियादी भाई है, तो ये शरीक है। तो लोग ये कहते हैं, तो ये हम लोग की अक्सर डिस्कशन होती है, तो मैंने कहा आप भी आ जाए साथ में भाई, प्लीज आप फ्रेम से जाइए, जी सना जी से बात करते हैं। कोशिश ये होती है कि हमने अपना जो प्रॉफिट मार्जिन हम अपना कम करें, हमारा पैसा जो है ना पब्लिक में फिरे, ठीक है। जितना पब्लिक में पैसा चलेगा, इतना हमें अल्लाह मियाँ बरकत देगा। तो हमारी कोशिश ये, तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो एक सोच बन गई कि भाई सना खान का नाम है, महंगा ब्रांड है, आप ज़रूर आए, ज़रूर हमें यूज़ करें, फिर आप बतलाएं क्या है। बात करते हैं सना जी से। सना जी, हाउस पहले आपके वालिद साहब कैसे हैं, उनका कल ऑपरेशन था जिस वजह से आज को आपको लेट आना पड़ा, नहीं तो आप मेरे ख्याल से आज सुबह से आप यहाँ रहते हैं, कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, इज़ फाइन, यस यस। कॉन्सेप्ट कैसे आया, हया आप एक सेलिब्रिटी हो, फिर देन यू कन्वर्टेड मीन्स रिवर्टेड टू इस्लाम, देन मुफ्ती अनस साहब सारी दुनिया देखती है। अभी एक लेडी से हमने बात की तो वो कह रहे हैं कि सना खान जैसी स्टाइलिश जिंदगी, मतलब जो आप दोनों की जिंदगी है, नॉट ऑफ बॉलीवुड, उन्होंने कहा कि वी आर वेरी मच यू नो, हमको हमारी ख्वाहिश है कि हमारी जिंदगी भी ऐसी। जी एंड आई थिंक यही इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई थिंक बहुत लोगों की जिंदगी माशाल्लाह से ऐसी है ऑब्वियसली, लेकिन एक नज़रिया होता है व्हेन पीपल थिंक दैट यू नो, अगर आप एक अलग रूट पे हो लाइफ पे, तो यू कांट एंजॉय योर लाइफ एंड आप अपनी लाइफ के जो जो डिज़ायर्स है, चाहे वो ट्रैवलिंग हो, अच्छा खाना हो, पहनना हो, लोगों को लगता है वो आप छोड़ देते। बहुत लोगों का परसेप्शन है अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज उनको आप कह नहीं सकते, वो जानते नहीं इतनी चीज़ें। तो आई थिंक थ्रू माई सोशल मीडिया एंड इन जनरल, मैं बस लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लाइफ उतनी ही ब्यूटीफुल है व्हेन यू डू इट इन अ हलाल वे, एंड एवरी हस्बैंड शुड ट्रीट हिज वाइफ लाइक अ क्वीन, एंड वो वाइफ भी देखती होगी तो हर किसी की लाइफ अलग होती है, चॉइसेस अलग होती है, हम इक्वल वो चीज़ को कंपेयर नहीं करते, बट एटलीस्ट यू नो वो रिस्पेक्ट होना, अपनी वाइफ को लेके बाहर जाना एंड यू नो वो वक्त निकालना, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई थिंक दैट इज़ अ मैसेज दैट वी गिव, लाइक स्पेशली जब हम ट्रैवल करने जाते हैं, तो दिस इज समथिंग, मेरा सोशल मीडिया पर चीज़ें डालने का मकसद यही होता है दैट पीपल इन्जॉय देयर लाइफ। सी वर्ल्ड मानना चलेगा ना, बिल्कुल आपके सब फैंस देख रहे हैं, अगर कोई फैंस बात करना चाहता है यहाँ पर इनके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, तो आगे आ सकते हैं। वेल देखिए, दुनिया में नेगेटिव और पॉजिटिव वो मरते दम तक होना है, यू नो अगर आप पूरा पॉजिटिव आपको कभी नहीं मिलेगा, आप कुछ भी कर ले, तो वो लोग रहते, बट आई थिंक मैंने उन लोगों को भी विद टाइम अपना नज़रिया बदलते हुए देखा है। और जब शुरुआत में ये चीज़ें होती थी तो अनस मुझे हमेशा एक ही चीज़ कहते थे कि सना आप फिक्र ना करो, अच्छे लोग हमेशा अच्छा गुमान ही रखेंगे, और जो लोगों का सोच अच्छी नहीं है वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोचेंगे, नो मैटर आप क्या करो। एंड आई थिंक वो एक वर्ड अनस के, वो उस हौसला अफजाई ने मुझे बहुत हिम्मत दी के अच्छे लोगों का गुमान हमेशा अच्छा होगा। एक सवाल है हमारा कि सना खान को तो सब लोग जानते थे, मगर जितना हमने देखा, हमने ऑब्जर्व किया, जितना ग्लैमर आपकी लाइफ में आया, जितना पब्लिसिटी आपको मिली, वो हमारे अनस भाई से मिली। जितनी पब्लिसिटी, जितनी वाइडर, मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? हाँ मैं सही कह रहा हूँ ना, आप लोग से पूछ रहा हूँ कि जितनी सना खान का नाम इनके साथ जुड़ने से हुआ, उसके पहले इतना मतलब बहुत कम था। सॉरी आप इसको गलत मत समझे, कोई चीज को गलत नहीं समझती। देखिए मेरा एक मानना है जो मैंने हदीसों से भी सुना है कि इंसान, अल्लाह जिस इंसान के मुकद्दर में इज्जत और पॉपुलैरिटी लिखता है वो उसे मिलती है, लेकिन अब वो जरिया क्या चूज़ करता है वो उसके ऊपर है। हमने पहले हराम चूज़ किया, अब जब अनस आए तो उन्होंने हलाल ले आए, तो अब ये अल्लाह से ये इज्जत मिलती है, और अल्लाह ने मेरी ये सोच है कि अल्लाह ने इन्हें जरिया बनाया है कि पॉपुलैरिटी तो पहले से ज़्यादा ही कर दी अल्लाह ने, मोहब्बत भी कर दी, अब इज्जत है, पहले नाम था अब इज्जत है, और इसमें बहुत फ़र्क है। एंड आई थिंक ये वही लोग समझते हैं। असल में आपने सवाल याद है ना आपको कि आपका नाम अनस जी से वो है या सना का नाम अनस? याद है, असल में बुनियादी वजह यह है कि मेरी शादी और इनका ऐलान करने का 1.5 महीने का फासला है, तो शायद सबको पता, आपको भी पता होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि मेरे बंदे तू मेरे पास एक कदम आ, मैं तेरे पास दौड़ के आऊँगा। तो असल में कदम इन्होंने बढ़ाया है, ठीक है, हम तो ये है कि थोड़ा सा पीछे से आदमी को हाथ फेर देते हैं।
How did you get in touch with Anas? बड़ी लंबी दास्तान है, चलिए मैं आपसे वादा है अभी बिजनेस की बात करते हैं, चलो लेट्स टॉक अबाउट दैट। मैडम आप आपके जी 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 मैडम आप बताइए, आप आपके दो तीन प्रोडक्ट्स बता दिए। अच्छा ये बताइए हाउ इट क्लिक्स के मैं एक ब्रांड चालू करूँ, व्हाई इट क्लिक्स? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट आई ऑलवेज वांटेड टू डू क्लोथिंग एंड जब मैंने ऑफकोर्स अनाउंस किया था तो मेरा ये एक परसेप्शन था कि क्योंकि मैं हया की तरफ आई हूँ तो मैं ऐसा ही कुछ शुरू करना चाहूँगी जो मॉडेस्टी से मेल खाता हो, और मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं बनानी है जिसका मॉडेस्टी से कोई लेना देना नहीं है। तो इनिशियली आई वॉज थिंकिंग दैट आई विल डू अबायाज, यू नो, एंड अनस वॉज ऑलरेडी डूइंग लॉन सेपरेटली। जब हम मिले थे उनका एक अलग बिजनेस था, मैं ये शुरू अलग, एंड देन आई वॉज लाइक वाई नॉट कम्बाइन टूगेदर एंड मेक इट हया बाई सना खान। ही वॉज डूइंग बिफोर ओनली हया बाई, ही ऑलरेडी हैड प्लान्स ऑफ डूइंग लॉन, बट ऑब्वियसली यू नो मेरे पास एक अपना ब्रांड था तो वी थॉट कि विल कोलैब एंड अबायाज एंड लॉन सारा कलेक्शन एक करके विल नेम इट हया बाई सना खान एंड दैट इज हाउ इट हैपेंड। क्या बोलते हैं आप, थोड़ी अपने प्रोडक्ट की वो कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट? जी आई थिंक जैसे कि आप देख रहे हो माशाल्लाह से द रैक इज एम्प्टी, सो ये धीरे एम्प्टी होते जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। जब मैं इंटरव्यू शुरू किया तो यहाँ था मैडम, आपने कहीं पीपल आर काइंड आई थिंक सो। वेल दिस इज माई अबाया कलेक्शन, ठीक है, जिसमें से अभी बहुत थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, आई एम सो सॉरी। तो इसके अंदर जुलबाब्स है, बटरफ्लाई है, जुलबाब ये है। सो बेसिकली जुलबाब इज समथिंग जो हम फॉरेन में जब हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत देखते हैं, क्योंकि लोग बहुत कंफर्टेबल वेयर है, आप इसे सर से सीधा जैसे मैंने ये बांधा ऐसे आप बांध सकते हैं एंड ट्रैवलिंग में बहुत ईजी रहता है। तो ये मुझे था कि मुझे ये इंडिया में लाना है एंड आई वॉन्ट माई यू नो ऑफकोर्स इट्स फॉर ऑल एज ग्रुप बट ऑब्वियसली यंग गर्ल्स इंजॉय वेयरिंग सच थिंग्स, क्योंकि वो लोग स्कूल कॉलेजेस जाते हैं, क्लासेस जाते हैं, नॉर्मल ट्रैवल पे जाते हो, दे कैन ऑलवेज वेयर दिस विथ स्निकर्स एंड एक कम्फर्टेबल वेयर हो जाता है। तो आई थिंक ये डिज़ाइन वॉज इंस्पायर्ड बिकॉज ऑफ दैट। ये मेरी एक जो डिज़ाइन है इसे मैं सऊदी स्टाइल मैंने इसका नाम दिया है, सो इट इज़ इनर वेयर। मटेरियल्स आर इंडियंस? No, it's all imported material, yeah, of course. That is what we are charging you for. So, ye cheez hai. So, this is something that I saw in Saudi and I was very fascinated with Saudi women. Kyunki wo log ye special Saudi abaya jo pehente the, ye aisa tha ki wo log inner hota tha and... ये बहुत शिद्दत से आपका product देख रहे हैं। नहीं नहीं हम थोड़ा यहाँ पर आ जाएंगे आपके customers को। मैंने उनको थोड़ा कस्टमर्स को भी थोड़ा वो करने का मौका दिया हूँ, तो वो उनको बता रहे हैं प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि आंटी को मैं कब से देख रहा था, बहुत शिद्दत से, मतलब शी इज नॉट एबल टू डिसाइड एक्चुअली, शी इज आस्किंग व्हिच वन शुड आई, सो आई वाज लाइक एवरीवन कैसा लगा? अल्हम्दुलिल्लाह जानते हो इनको? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी नाइस। यह सना खान ना जी, क्या जानते हैं? She was an actress or something, na? Sana Khan ko dekhna hai ki product dekhna hai? Of course, product also, and her meet to her also, because I'm suggesting her, like, what suggestion, what will be suitable for Asian people like me. This is my daughter. Look at you, how fit you are. She's my daughter. Hi, come here. Bombay only? Yeah, yes, I'm actually from Saudi. ये नोट देखिए, आप ऑनलाइन हो, हम चेक करेंगे बिल देखे कि आपने लिया है कि नहीं, कि खाली सना के खाली सना खान से फोटो निकाल के लेके। Everyone is buying, nobody is just going empty handed. बिल चेक करेंगे हम, देखेंगे मुझे तो थोड़ा बहुत गिफ्ट भी मिलेगा इनसे। Yeah, she is my भाभी। Yes. आप बताइए, आप माशाल्लाह जवान हो, आप यंग एज हो, क्या इंस्पिरेशन मिलता है आपको सना खान को देख के? डेफिनेटली ना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, यू नो, दैट इज वेरी मच दीन की तरफ आए, दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट। माय हस्बैंड ही फॉलोज यू, व्हाट यू, थोड़ा सा मुझे नॉलेज कम है ड्रेसेस के बारे में। ये मेरे ही इज ऑलरेडी इनटू, सॉरी, ही इज ऑलरेडी इनटू जमात एंड ऑल, ही डज ऑल हिज वर्क, या या, दिस क्या बोलते,
इज्तिमा में इसमें जाते हैं। याद रखना मैडम, हम लोग आपका बिल चेक करेंगे डेफिनेटली विद रियाल एंड सऊदी रियाल एंड हम चेक करेंगे। ठीक है, डॉलर्स आल्सो डोंट नो प्रॉब्लम। लेट्स कम टू द अदर प्रोडक्ट मैम, लेट्स कम फॉर द अदर, वी नीड एवरीथिंग ओवर देयर। ओके, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज। यू मेक पीपल सो कंफर्टेबल बीइंग अ सेलिब्रिटी आल्सो। Yeah, because I'm not just exaggerating. I'm just telling you because I've seen you. I have seen. This is my. No. बोला है? नहीं, मैडम ने बोला है थोड़ा डिस्टेंस रखना, दो हाथ का. ये यहाँ पर रूल चल रहा है कोविड का, क्या? नहीं. Of course, I think सबसे important वो ही होता है कि you know being a personality, apart from being a personality, this is home for everyone. एंड दिस इज़ अ फैमिली, और कोई भी ब्रांड आपके कस्टमर से ही बनता है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कस्टमर को आपके साथ एक रिलेटेबल फैक्टर मिलना चाहिए, एंड दैट्स द रीज़न आई एम हियर, अदरवाइज यू नो दे वुड हैव स्टिल बॉट व्हाट दे वांट, बट यू नो आई वांटेड टू बी हियर एंड मीट पीपल। देखना चाह रहा, मैं सोच रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, आप माशाल्लाह हो, ठीक है, इस्लामिक हो और बिजनेस वूमन भी लग रही है अभी आपकी बातों से। मैं बिजनेस वूमन 5 साल से हूँ। दूसरा चीज़ बताइए क्या। वेल सी, सो दिस इज हमारा जो ये है, ये पूरा लॉन कलेक्शन है। सो बेसिकली दिस इज 100% प्योर लॉन। इफ यू गूगल लॉन एंड कॉटन में जमीन आसमान का डिफरेंस है, एंड दैट इज समटाइम पीपल डोंट अंडरस्टैंड। जिनको लॉन पता नहीं है क्या है, उन्हें लगता है कि यू नो कॉटन तो है, बट कॉटन इफ यू गूगल यू विल गेट टू नो लॉन कैसे बनता है, कॉटन कैसे बनता है। तो ऑफकोर्स कॉटन इज ऑल्सो द बेस्ट, बट लॉन इज वे हायर क्वालिटी कंपेयर टू कॉटन। And obviously, क्योंकि summers है, so we want things that are, you know, outfits that are popping, colorful हो। We have multiple designs. It's all about. See abaya. See lawn में एक lawn ही होता है, but apart from that, you work on color prints, you work on color blocks, you work on, you know, छोटा design, you work on बड़ा design, you know, that is how it like florals, different patterns. भाभी जो है इनकी भाभी को support कर रही है। हाँ जी, जो भी एक्स वाई जेड, तो ये इनको सपोर्ट कर रही है, पीछे से जो है सपोर्ट कर। जी हाँ, सो बस दैट इज हाउ इट इज, जैसे होते हैं ये। थोड़ा सा मुझे नॉलेज कम है ड्रेसेस के बारे में, क्योंकि वो कुछ कप्तान होता है लेडीज में। वी डोंट हैव ऑल दोस येट, इट्स ओनली सलवार सूट्स। विल यू कम नेक्स्ट? डिपेंड्स। बात करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट है आपके इसके बारे में? और जी बहन का तो मैंने मुफ्ती साहब से हो गया है। अनस्टिच्ड है, अनस्टिच्ड में तो आई थिंक इट्स ऑल पैक्ड। अनस्टिच्ड में क्या है? अनस्टिच्ड में भी लॉन कलेक्शन है एक, जो जी ऑफ कोर्स लेडीज को शॉपिंग में टाइम कभी डिस्टर्ब नहीं करने का। यस आई हैव किड्स में वी हैव फॉर, वी डिडंट गेट इट टुडे एक्चुअली, सो वी हैव फॉर इन्फेंट्स, वी हैव फॉर बॉयज, फॉर गर्ल्स, छोटे कुर्ते पजामे है, छोटे यू नो ड्रेसेस है। सो या स्कूल से आई बेचारी, हाँ बहुत ही छोटी है। या सो या फॉर किड्स वी हैव दोस। एक आम आदमी, आम लेडीज के ऊपर, क्योंकि लेडीज जब शॉपिंग करती है तो आदमी को टेंशन होना चालू होता है, हस्बैंड को चालू हो जाता है कि ये अब क्या लेने जाएगी, क्या करेगी, कितना होगा। तो एक परसेप्शन है कि सना हया खान, हया प्रोडक्ट बाय सना बहुत कॉस्टली। जी आपकी बात कीजिए। जी मैडम उसके बारे में बात करते हैं कि एक परसेप्शन होता है, आप बोलेंगे, कोई बोलिए ना, आप सना खान।